भव संभव बीति बेदनम सुख संपत करुणा निकेतनम व्रत दान तप क्रिया फलम सहजानंद गुरु भजे सदा वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिरानाम्बुजम पूजितम सुर नरोत्तमे मुदा धर्मनंदन महं विचिन्तये। अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिपति सर्वावतारी सर्व कारण कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वड़तालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराज की छत्र छाया में परम पावन एवं जगन्नाथपुरी क्षेत्र में बिराजमान भगवान श्री जगन्नाथ जी दिव्य सानिध्य में आजनी कथापारायण छठा दिवस संध्या सत्रना अवसरे सभा में उपस्थित धर्मकूल आश्रित वाला सर्वे अमरा संतो श्रीजी महाराज लाडीला धर्मकूल आश्रित वाला सर्वे सत्संगी हरिभक्तों सर्वधर्म प्रेमी सज्जनों सर्व मोक्ष भागी जीवात्माओं सर्व हरिभक्तों ने अमरा हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। आज नो दिवस जगन्नाथपुरी ने आंगणे खूब यादगार दिवस बन्यो छे। श्रीमद सत्संगी जीवन ग्रंथ नो दिव्य कथा नो सुंदर श्रवण करवानो अवसर आवा पवित्र तीर्थधाम मा भगवान शहरी नी दिव्य महापूजा करवानो अवसर आ तीर्थभूमि उपर ज कथाना माध्यम थी भगवान श्रीहरी नो गादी आरूढ़ थवानो शुभ अवसर अने अत्यारना सत्र नी अंदर सर्वोपरि स्वामीनारायण महामंत्रना प्रागट्यनो महोत्सव आजनो दिवस खरेखर धन्य बन्यो छे। वाला भक्तो भगवाने जीवात्माना कल्याणने माटे जे बे मार्ग बतायवा छे ए उपासना अने भक्तिना मार्गने पुष्टि करवाने अर्थे महाराजे अनेक विध साधनो आपणने आप्या छे। उपासनानी शुद्धि रहे, पवित्रता रहे, सर्वोपरिता जळवाई रहे अने भगवाननो एकात्मपणो जीवात्मा साथे रहे एटला माटे महाराजे स्वहस्ते मंदिरो निर्माण करावीने पोताना मूर्तिओ पोताना स्वरूपोनी स्थापना करी छे। एटलुं ज नहीं वचनामृत आदि ग्रंथोनी अंदर महाराज एनो महिमा वर्णन करता एम लखे के अक्षरधामाधिपति भगवान श्रीहरि अनंत जीवात्माना कल्याणने अर्थे जारे रामकृष्णादि अवतार धारण करीने मनुष्य रूप आदि अवतार धारण करीने आ पृथ्वीने विषे विचरता होय तो ए भगवानना योगे करीने भगवानना समागमे करीने अनंत जीवात्मानुं कल्याण थाय छे। महाराजे विशेष वात लखी महाराज के केवा परमात्मा जारे आ पृथ्वी उपरथी पोते पोतानी लीला संकेली अने जारे अंतर ध्यान थाय त्यारे महाराजना योगमा एवा परमात्माना योगमा आवेला जे संत पुरुष होय साधु पुरुष होय मुक्त पुरुष होय एनो समागम करवाथी पण जीवात्माने भगवानना स्वरूपनी शुं महत्ता छे सत्संगनी शुं महत्ता छे उपासना भक्तिनी शुं महत्ता छे विशेष एमने ज्ञान थाय અને જીવાત્મા એ સંગે કરીને એમના યોગે કરીને સત્સંગના માર્ગની અંદર દ્રઢ થાય અને જીવાત્મા પોતાનું કલ્યાણ કરી શકે। પણ મહારાજને વળી વિચાર થયો, મહારાજ કહે કે ભગવાનના સમકાલીન યોગમાં આવેલા સંતો ભક્તો પણ કેટલા સુધી આયુષ્ય સુધી ટકી શકે, દરેકની આયુષ્ય નિર્ધારિત છે અને એ પણ આ સંસારમાંથી વિદાય લે પછીની જે પેઢીઓ આવે એ પેઢીનું કેમ કલ્યાણ થાય। મહારાજ કહે કે અમે પધરાવેલા જે દેવો એનો કોઈ સમાશ્રય કરે તો એ પ્રત્યક્ષ અમારો આશ્રય કર્યા બરાબર છે અને એનું સમાગમ કરવાથી પણ અમે જીવાત્માનું કલ્યાણ કરીએ છીએ। મહારાજ કે અમે વૈરાગ્યનો માર્ગ મોળો કરીને મંદિરો નિર્માણ કરાવ્યા છે એની પાછળનું કારણ પણ જો હોય તો એ જ છે કે ઉપાસના જો શુદ્ધ હશે તો જીવાત્માને ભગવાનને ઓળખવામાં જરાય સંશય નહીં રહે અને ભગવાન એક વખત ઓળખાય એ ભગવાનનું સ્વરૂપ એની અંદર એક વખત પ્રીતિ થઈ જાય
तो पछी काल कर्म ने माया जीवात्मा ने क्यारे नड़ी न सके एवं परमात्मा ने दिव्य उपासना करवानू अने महाराजे एनु प्रतिपादन करता सत्शास्त्रों पण लखाया। एज रीते भगवाने भक्तिनु बळ वधे कारण के उपासना ए ज्ञान मार्ग छे, भक्ति ए कर्म मार्ग छे। उपासना ए कर्मथी थाय कारण के उपासनानी अंदर विविध प्रकारे भगवानना उपचार आदि एमनु सेवन पूजन सुश्रूषा वगैरह एनी अंदर समाविष्ट करवामां आवे छे। पण कई रीते के जेनु महात्मा ने जेनी समझण ज्यारे एनी दृढ़ थाय त्यारे एने उपासनानी दृढ़ता कहेवामां आवे छे। अने एज ज्यारे क्रियानी अंदर जे कार्य तमे जे करो छो जे कारण के आपणे भक्तिनु व्याख्या सांभळी हती, भक्ति शब्द भजधातुथी बने छे। सत्संगी जीवन ग्रंथ में पण महाराजे वात नोंधी कि जे भजधातु थी बनतो भक्ति शब्द, भजधातु नो अर्थ थाय छे परिचर्या अर्थात सेवा। अने एवी प्रीतिए सहित जयरे सेवानी अंदर कोई जीवात्मा अनुसरे त्यारे एने भक्तिनु स्वरूप जाणवू। अने एज रीते वाला भक्तो जे भक्तिनु मार्ग पुष्टि थाय एना माटे सेवाना कार्यनी अंदर जीवात्मा प्रेराय तो सेवानी अंदर ए कार्यनी अंदर भक्तिना नवधा प्रकारना जे स्वरूप छे एमां कीर्तन भक्ति नो पण एक समावेश थाय छे। भगवानना नाम स्मरण कीर्तन करवू अने एना माटे महाराजे आपणने भक्तिनी पुष्टि केम थाय तो के गुरु मंत्र लई गुरु भगवान आचार्य महाराजी पासे जीवात्मा ज्यारे एनु जाप करे त्यारे निश्चय चतुर्विध फल ने प्रदान करनारो ए बीज बळ एनु तैयार थाय छे। पण महाराज कहे के एवा मंत्रोनो जाप करवा माटे नियमित समय एनी पवित्रता देश काल वगैरह समय ने अनुसंधान राखीने करवो पड़े। महाराज ने एम थयुं के आ जगतनी अंदर क्षणभंगुर एवो मनुष्य देह अने एवा समयनी अंदर अनेक विटंबणामां वीटळायेलो जीवात्मा ए जो आवा नियमों सहित जो भगवानु भजन करतो रहे करवा बेसे तो एने अल्प समय एटले के क्षणिक थोड़ोक ज समय प्राप्त थाय। अने एटला माटे कोई एवो मंत्र आपू के जे एवो पवित्र होय के जेना योग में आवाथी समग्र अपवित्रता ए पवित्रता में बदलाई जाए पण ए मंत्र क्यारे अपवित्र ना थाय। अने एवो शुद्ध ने सर्वोपरि मंत्र ए महाराजे स्वामीनारायण मंत्र भक्ति माटे आप्यो आपणने। बीजा मंत्रों ने जप करवा होय तो वेदना शास्त्रों ना नियमों प्रमाणे एनी मर्यादा राखीने आपणे ए मंत्रना जाप करवा पड़े। पण स्वामीनारायण महामंत्र एक एवो मंत्र महाराजे आपणने आप्यो पवित्र देहे अपवित्र देहे गमे ते परिस्थितिनी अंदर गमे ते वास्थितिनी अंदर तमे एनो जाप करी शको, तमे एनु स्मरण करी शको, रटन करी शको अने एनु फळ एटलू ज मळे के जे तमे महामंत्रोना जप करवाथी आपणने जे बीज बळ बनतुं होय। आज एवो दिव्य भक्तिनो महामंत्र ए भगवान स्वामीनारायणे आपणने आप्यो ए आपणा सौना माटे अने एना रटनथी ज आजे आपणे पोतानी जातने आपणे पावन करी शकीए छीए। एटले के जेम अग्निनी अंदर कोई वस्तु तपावो तो ए शुद्ध थाय, वायु घणी वस्तु वायुथी शुद्ध थाय, घणी वस्तु स्नानथी शुद्ध थाय एटले के पाणीथी शुद्ध थाय, एम दरेक प्रकारनी शुद्धतानी वस्तु छे। आत्मानी शुद्धि भक्तिथी थाय छे अने एवो भक्तिनो महामंत्र ए आजे आपणने प्राप्त थयो छे।